रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में जो कि स्वयं पर ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए कि प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति की मूर्ति आपके समक्ष इस वक्त जो प्रतिष्ठित हो चुकी है, भगवान श्री राम लोकाभिरामम इस वक्त मन मोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, इस वक्त सिर्फ एक ही गूंज है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, इस वक्त गर्भगृह में माँ गंगा विराजमान है, तुलसी विराजमान है, शालिग्राम भगवान स्वयं जो दामोदर कुंड से आए हैं वो विराजमान है। और ये सुंदर मेघ श्याम, वही भगवान श्री राम जब रघुवंश के पति होते हैं तो वो रघुपति होते हैं, जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो वो राजा राम होते हैं, जब वो अहिल्ला माँ का उद्धार करते हैं तो वो होते हैं पतित पावन, और जब मिथिला जनकपुर धाम में जाकर मैया सीता के साथ विवाह संस्कार करते हैं तो हो जाते हैं सीताराम। लेकिन भगवान आज न रघुपति हैं, न राजा राम हैं, न पतित पावन हैं, न सीताराम हैं, वो सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। आज पौष के शुक्ल द्वादशी के पावन दिवस पर जब भगवान श्री राम पधारे हैं, प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तो माँ के मस्तक को चूमेंगी, ऐसी प्रतिष्ठा की गई है इस मंदिर की। आप समझिए कि इस वक्त भगवान शिव नृत्य कर रहे होंगे। मैं इस वक्त जो मन में मेरे भाव आ रहा है कि इस वक्त त्रिलोकी इस वक्त विह्वल नजर आ रही होगी, भावनाओं में नजर आ रही होगी। स्वर्ग लोक में इंद्र इस वक्त मृदंग का वादन कर रहे होंगे, देवता इस वक्त नृत्य कर रहे होंगे, हनुमान लला हनुमंत लाल इस वक्त नाच नाच के श्री राम जय राम जय जय राम जो भी है।